वेलकम बैक गाइस, दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बात करने वाले पनेरी पट्टन के ऑक्शन टारगेट्स प्लेयर के ऊपर, किन प्लेयरों को ऑक्शन में टारगेट करने वाली पनेरी पट्टन और इनका क्या गेम प्ले रह सकता है, तो उसके बारे में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, कृपया करके वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन कौन से प्लेयर पनेरी पट्टन ने रिटेन करे हैं, तो जो प्लेयर उन्हें रिटेन करे हैं उनके नाम होने वाले हैं अविनेश नटराजन, गौरव खत्री, संकिन सावत, पंकज मोहिते, असल ईमानदार, मोहित गोइते, आकाश शिंदे एंड बादल सिंह और आदित्य शिंदे को उन्होंने रिटेन कर लिया प्रो कबड्डी सीजन 10 की ऑक्शन से पहले। जो ऑक्शन में ये टारगेट करेगी, ज़्यादा टारगेट इनका डिफेंस यूनिट में होगा, क्योंकि रेडिंग के इनके पास कई सारे अच्छे एक बेहतरीन विलक के रूप में मोहित गोइते हैं, असल ईमानदार है जो कि काफ़ी अच्छे रेडर हैं, तो ये ज़्यादातर डिफेंडिंग में टारगेट करेगी। नंबर वन पर ये फजल अबराज चली के ऊपर एक बार फिर से टारगेट कर सकती, काफ़ी अच्छे एक ईरानी लेफ्ट कॉर्नर के प्लेयर हैं और कैप्टन का जो रूप होता है उसके लिए भी काफ़ी अच्छे एक प्लेयर है, मतलब कैप्टनशिप भी कर सकते हैं। इनके ऊपर एफबीएम कार्ड का यूज़ करना चाहिए पनेरी पट्टन। अगर आप कोई लेफ्ट कॉर्नर के रूप में फजल अबराज चली नहीं मिलते हैं तो आप नंबर दो पर मोहम्मद रजा शादलू के ऊपर जा सकते हैं, ये भी लेफ्ट कॉर्नर के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, ये भी एक ईरानी प्लेयर है। नंबर तीन पर आप गिरीश अरना की तरफ जा सकते हैं, ये भी लेफ्ट कॉर्नर के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, पिछली बार बंगाली वॉर्स में थे जहाँ पर इन्होंने काफ़ी ठीक ठाक सा प्रदर्शन किया था, इनकी तरफ भी जा सकते हैं। नंबर चार पर एक ऑलराउंडर आ जाते हैं मोहम्मद नवी बख्श, जो कि पिछली बार ईरान की टीम में ही थे जहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, ये एक ऑलराउंडर है, रेडिंग भी कर लेते हैं डिफेंडिंग भी कर लेते हैं, तो इनके ऊपर भी एबीएम कार्ड का यूज़ करना चाहिए पनेरी पट्टन। नंबर पाँच पर आप अबूजर मैगानी की तरफ जा सकते हैं, ये एक राइट कॉर्नर के प्लेयर है, ईरानी प्लेयर है। अगर आप लेफ्ट कॉर्नर के रूम में फजल अबराज चली जहाँ पर मोहम्मद रजा शादलू की तरफ जाते हो जो कि ईरानी प्लेयर हैं, तो राइट पर भी ईरानी प्लेयर होगा, तो मतलब बातचीत है इनकी, मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है। तो गाइस ये थे पांच प्लेयर जो कि पनेरी पट्टन ऑक्शन में टारगेट करने वाली है। आपको क्या लगता है कौन कौन से प्लेयर पनेरी पट्टन ऑक्शन में टारगेट करेगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।